एटीसी प्लस गोल्ड अपकमिंग डायमंड पंकज आसनकर सर, और जिनके हम छत्र छाया में और ये माइलेज का बिजनेस कर रहे हैं और नॉलेज हमको दे रहे हैं, ऐसे आशीष सर और प्रशिक्षक सर, इनको मैं सर झुका के नमन। माइलेज स्टेल की वे अभी माइलेज स्टेल में आने का रीजन क्या था? देखो यहाँ पे तो कोई अपने मन से नहीं आता है। माइलेज स्टेल ये जज्बे का, सपनों का और कुछ बन के दिखाने का प्लेटफॉर्म है, और जिसमें लगन जुनून है वो है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो माइलेज स्टाइल की जो माइलेज स्टाइल में आने की पहले जो मेरी जर्नी थी, यानी मैं आपके में से बैठने वाला और आप में ये दिन मैं यहाँ पे बैठा था। मैंने जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, ये मेरे पहला प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये माइलेज स्टाइल। तो आज ये माइलेज स्टाइल पे मेरी जो रैंक है एसटीसी प्लस स्टार पर, जिसके और मैं अपकमिंग एम्ब्रॉयड भी बनने जा रहा हूँ। आने वाले दो ढाई महीने में मैं एम्ब्रॉयड यानी बन जाऊँगा। उसके लिए चारों नेट में 20 लाख यानी बीवी का बिजनेस रखता है, यानी गरीब पैसों में ये किया जाए तो 1,20,00,000 का बिजनेस देना पड़ता है। तो ये रैंक भी मेरी आने वाली। तो मैं शुरू में आपको ये बताऊँगा कि माई लाइफ स्टाइल में आने के पहले मेरी जर्नी क्या थी। तो मेरा नाम शिशुपाल चिपले है और प्रॉपर मैं यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे गांव है डुमरी कला, यानी साटक के नज़दीक आपके ध्यान में होगा। तो वो मेरा प्रॉपर गांव है और मेरी सब पढ़ाई जो है ये आपके जैसे गांव खेड़ों में हुई है, यानी पहली से चौथी की जो पढ़ाई है मेरी डुमरी कला में हुई और पांचवी से जो दसवीं की पढ़ाई है अपनी ने सस्कूल साखत में हुई, 11वीं 12वीं साइंस मेरा पालशुली में हुआ और मेरा ग्रेजुएशन संस्कृत में रविकांत राठी प्रशासकीय महाविद्यालय नगरधन मोदा रोड पे। और ये प्लेटफॉर्म में एम आई लाइफ स्टाइल में आने के पहले मैं ब्रेड बेचता था। क्या बेचता था? ब्रेड मंजा।